ईद मिलादुन नबी पर्व आगामी 16 सितंबर से मनाया जाएगा। इस पर्व को लेकर मुस्लिम धर्मावलंबियों में काफी उत्साह रहता है। इंसानियत और मानवता का संदेश देने वाले यह त्योहार पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के यौम पैदाइश पर यह पर्व मनाया जाता है। इसी के तहत कटिहार के चौधरी मोहल्ला स्थित तबस्सुम हॉल में सीरत कमेटी की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस कमेटी के अध्यक्ष मौलाना अहसन रजा ने कहा कि इंसानियत का पैगाम देने वाले पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश को देश ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में मनाया जाता है। पैगंबर साहब ने परेशान हाल में लोगों की मदद करने, पड़ोसियों को खास तौर पर ख्याल रखने और सभी मजहब के लोगों के साथ मिलजुल कर रहने का संदेश दिया है। जी हाँ, हर साल की तरह इस साल भी जिला सीरत कमेटी की मीटिंग रखी गई। चौधरी मोहल्ला इसमें कसीर तादाद में हमारे मेम्बरान तशरीफ लाए। से मोहम्मदी को लेकर उनकी तैयारी पर सबने अपनी अपनी राय पेश की और हम तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि अच्छे नेक मशवरे से नवाजा है और इस क्रूज को कामयाब भी जो मिलती है इसकी कामयाबी के पीछे बहुत बड़ा मामला है कि सबसे पहला तो यह कि हमारे जितने भी अइमे मसाजिद हैं, उलमा इकराम हैं और तमाम मस्जिद के जो सदर सेक्रेटरी हैं और हमारे प्रशासन के जो लोग हैं, मीडिया भाई हैं और जितने लोग आला अफसरान हैं, वे सब के सब की मेहनतें इनके पीछे है जिसकी वजह से ये बिजनेस मेरा कामयाब हर साल होता है। लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि अब की बार भी हमारा जुलूस कामयाब होगा और हम तमाम लोगों से कहना ये चाहते हैं कि आज से अपने अपनी तैयारियां शुरू कर दें। जिस तरह सारे लोग अपना अपना न्यूज लेकर डीएस कॉलेज के मैदान में आते हैं, वहां सब मुत्तहिद होकर जिला सीरत कमेटी के बैनर तले ये जुलूस शहर के मुख्तलिफ राहों का भ्रमण करते हुए राजेंद्र स्टेडियम पहुंचते हैं और वहां पर एक खसूसी खिताब होता है। उसके बाद सलात व सलाम और अपने मुल्क की अमन व सलामती के लिए दुआएं होती हैं ताकि हमारे देश में अमन सुकून बरकरार रहे, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीख को तशरीफ लाए थे जो अमन शांति का पैगंबर है, जिसने अमन शांति का पैगाम तमाम लोगों को दिया है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी भी कमेटी अमन सलामती का पैगाम सबको देना चाहता है और चाहे वो जिस मकतबे फिक्र के लोग हैं सबका स्वागत है और ये जुलूस के पीछे सब की मेहनतें रहती है और इस चैनल के जरिए तमाम लोगों से कहना ये चाहते हैं कि अपने तन मन धन के साथ पूरी अकीदत और मोहब्बत रसूल में अपने अपने घर से निकले और जुलूस को कामयाब बनाए। मेरा नाम अहसन रजा, सदर जिला सीरत कमेटी कटिहार।